नमस्कार। हमारे इस चरक संहिता वाचन की आज के सत्र की आरंभ हम प्रार्थना से करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दीर्घम आयुष स्वास्थ्यम त्रिवर्गम चापि पुष्कलम सिद्धिम चानुत्तमा लोके प्राप्नोति विधिना पठन। हमने बीच में कुछ खंड हुआ था मेरे तरफ से, लेकिन उसके पहले जो हमने शुरू किया था वो मैंने कार्य प्रकरण का आरंभ किया था कुछ सत्रों पहले। आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था कि जो पहला अध्याय है सूत्रसार का दीर्घायु जीवित, उसमें जो दो प्रकरण है, एक तो कारण प्रकरण जिसमें हमने छह कारणों के बारे में देखा था, जो भी वर्णन है उसका, वो सामान्य विशेष गुण द्रव्य और कर्म, उसके साथ साथ समवाय, ये सारे जो कारण है उनका वर्णन देखा था। और उसके बाद कार्य प्रकरण शुरू हुआ था, द चैप्टर अध्याय के अंदर जो एक टॉपिक है उसको कार्य, ये टॉपिक का प्रकरण कहा गया है। उसमें तंत्र प्रयोजन, ये जो सूत्र क्रमांक 53 है वहां से वो शुरू होता है। धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, यहाँ से आगे वो सब विषय शुरू होता है। और उसके अंदर हम देखा था कि हेतु संग्रह त्रिविध जो थे वो हमने देखे थे, फिर व्याधि के आश्रय जो शरीर और मन है, उसके साथ साथ फिर हमने ऐसा भी देखा था कि जो त्रिदंडवत पुरुष है उसमें आत्मा का भी समावेश होता है, फिर वो आत्मा की भूमिका क्या है, वो व्याधि का आश्रय नहीं है और क्यों नहीं है, उसके गुण कौन से हैं, इस प्रकार हमने वर्णन देखा था। और फिर उसके बाद दोष संग्रह यानी वायु पित्तम कफ शोक्तम शारीरो दोष संग्रह, और उसके साथ साथ मानस दोष का भी संग्रह रजतम, इसका भी हमने वर्णन देखा था। और चिकित्सा के जो तीन भेद कहे गए हैं, युक्ति उपाश्रय दैव उपाश्रय और सत्वावजय, ये सारा वर्णन जो कार्य प्रकरण के अंदर आता है वो हमने अभी तक देखा था। उसको इसके बाद जो वर्णन आगे के तीन सूत्रों में है वो हर एक दोषों के गुण के बारे में वर्णन आया है, तो वो हम आज बारी बारी देखने वाले हैं। सबसे पहले सूत्र क्रमांक 59, उसको मैं दोहराता हूँ। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोथ विशद खरा विपरीत गुणे द्रव्य मारुत संप्रशाम्यति, ये वात के गुणों का सूत्र है। मैं एक बार अभी संधि विग्रह करके सूत्र का वाचन करता हूँ। रुक्षः शीतः लघु सूक्ष्म चलः अथ विशदः खरः विपरीत गुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यति। तो ये जो तीनों सूत्र है वो भाषा के दृष्टि से बहुत ही सरल है। इसमें से काफी सारे शब्द जो पारिभाषिक शब्द है, जो गुणों के वर्णन है, वो हमें पहले से ज्ञात होंगे। तो यहाँ पे भी देखो पहली पंक्ति में क्या है, तो एक कुल मिलाकर सात गुणों का वर्णन है, उल्लेख है। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर, ये मारुता यानी वात के गुणों की लिस्टिंग है। अभी इसमें जो यहाँ पे साक्षात वर्णन नहीं है या यहाँ पे टीकाओं में भी इसका विस्तार नहीं आया है, वो बात यहाँ पे मैं दोहराऊंगा नहीं। और वो बात हम सबको पहले से ज्ञात भी होगी कि हर एक गुण का कर्म क्या होता है। रुक्ष से शोषण शक्ति, शीत से स्तंभन शक्ति एंड सो ऑन। तो वो जो कर्म का एक वर्णन है वो मैं यहाँ पे अभी नहीं करने वाला, यहाँ पे वो विस्तार हो जाएगा। और मैं ये कंसिडर करता हूँ कि सारी बातें ये आपको पहले से पता होंगी। तो मूलतः यहाँ पे जो भी एक टीकाकरण ने अलग अलग पॉइंट्स आगे रखे हैं वो हम इस सूत्र के द्वारा देखते देखते आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चक्रपाणि जी कहते हैं कि यहाँ पे जो गुणों का वर्णन है, तो इस वात के गुणों का वर्णन में सबसे पहले रुक्ष इस गुण का उल्लेख आता है। तो इस कर्म को कोई महत्व है क्या, या सारे गुणों को एक साथ ही रखना है? तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है कि देखो यहाँ पे रुक्ष गुण ये वात गुणों में सबसे प्रधान कहा गया है, प्रधान माना जाता है। रुक्ष ये बाकी सारे गुणों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब हम वात के बारे में सोचते हैं। और ये दर्शाने के लिए अब अगर बारीकी से देखो, हम ये जो तथ्य है वो आगे भी देखने वाले हैं कि पहले पंक्ति में सारे गुणों को अलग अलग रखा है, उनका समास नहीं किया है। तो चक्रपाणि जी कहते हैं कि
सबसे पहले जिसका स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया है वो रुक्ष गुण यहाँ पे प्रधान माना जाना चाहिए और उसके बाद भी बाकी सारे गुण आने वाले हैं। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इसमें दारुण चल या दारुण गतिमत ऐसे अलग अलग अन्य गुणों का भी उल्लेख हमें अन्यत्र देखने के लिए मिलता है। जैसे दारुण इस गुण का उल्लेख या पुरुष इस गुण का उल्लेख आपको वात कला के लिए इस अध्याय में देखने के लिए मिलेगा। तो इस गुणों के बारे में क्या करना है, उन गुणों का उल्लेख यहाँ पे क्यों नहीं किया होगा? तो चक्रपाणी जी कहते हैं कि ये सब जो यहाँ पे 7 गुण कहे गए हैं वो प्रधान गुण है। इनमें इनडायरेक्टली दारुणादि गुणों का समावेश किया जा सकता है या अन्य गुणों का आप उल्लेख इतर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि दारुण जो गुण वातकला के लिए अध्याय में वर्णित किया गया है उसके 2 अर्थ कहे गए हैं, एक तो चल और दूसरा काठिन्यकृत, यानी एक तो गतिमान उसको भी दारुण कह सकते हैं कि जैसे अत्यंत जोर से हवा चलती है बाहर उसको भी दारुण कह सकते हैं, वैसे भी हमारे वायु को दारुण कह सकते हैं, या काठिन्यकृत अत्यंत बड़े पैमाने पर रुक्षण करके शोषण करके जब काठिन्य उत्पन्न होता है तो उसको भी हम दारुण गुण का कर्म कह सकते हैं। तो इन दोनों कर्मों का समावेश इन्हीं 7 गुणों में हो सकता है, चल और खर इन 2 गुणों में हम दारुण गुणों का समावेश कर सकते हैं। सिमिलरली परुष, परुष इसका अर्थ भी होता है कि अतिरिक्त रोक्ष की वजह से जब बहुत रफनेस आ जाना उसको हम परुष कहेंगे। सो दैट अगेन कैन बी इंक्लूडेड इन द रुक्ष और खर। इसीलिए ये 7 गुण सबसे प्रधान है, इनको इनको लांघ कर बाकी गुणों का अस्तित्व ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और इसीलिए चिकित्सा में भी हमें इन 7 गुणों पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ता है। यह हो गया पहली पंक्ति के बारे में। दूसरी पंक्ति में क्या कहा है कि इन गुणों के बारे में ही रेफरेंस लेके वो कहते हैं विपरीत गुण ही द्रव्य ही मारुतः संप्रचाम्यति। विपरीत गुण ही द्रव्य ही, ये जो दोनों शब्द है वो तृतीय विभक्ति के बहुवचन के शब्द है, यानी देवै देवेन देवाभ्याम देवै ही तृतीया। और तृतीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है? तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है साधनभूत या मीन्स एज अ टूल, कोई कारक ऐसा उसका अर्थ किया जाता है, करण ऐसा उसका अर्थ किया जाता है, यानी इनके साधनभूत द्रव्यों से जो विपरीत गुण के है वायु का प्रशमन होता है। सो उपरोक्त तो जो भी 7 गुण है उनके विपरीत गुणों युक्त द्रव्यों के द्वारा वात का शमन होता है, ऐसी दूसरी पंक्ति का अर्थ होता है। अब यहाँ पे टीकाकार ऐसा कहते हैं कि विपरीत गुण ऊपर तो सारे रस कहे गए हैं, फिर नीचे गुण इस शब्द का उल्लेख क्यों किया? तो वो कहते हैं कि यहाँ पे गुण इस परिभाषा से सिर्फ गुणों की अपेक्षा नहीं है, विंशति गुणों की अपेक्षा नहीं है, तो उनके साथ साथ रस वीर्य विपाक और प्रभाव, अगर आप मूलतः देखो तो ये सारे गुणों के अंडर ही क्लासिफाई होता है। अब देखिए द्रव्य गुण और कर्म, अगर आप किसी द्रव्य के बारे में अगर वर्णन देखते हो तो कोई भी चीज इन तीनों हेड के अंदर आ जाती है। द्रव्य का स्वयं द्रव्यत्व, उसके बाद गुणत्व, उस गुणत्व में ये सारी चीजें रस वीर्य विपाक गुण प्रभाव और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म, फिर वो वमन विरेचन शोधन शमन स्तंभन ब्रूहण कोई भी कर्म हो, तो इसके परे और कोई भी वर्णन ये आ नहीं सकता। और इसीलिए गुण की अगर व्यापक परिभाषा देखनी हो तो ये सारे द्रव्याश्रित जो धर्म है जो भाव है उन सब को हम गुण कहेंगे। और वही अर्थ हमें यहाँ पे लेना है कि रस वीर्य विपाक गुण प्रभाव, इन सारों को यहाँ पे गुण इस शब्द के अंडर क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है। और इसलिए विपरीत गुणों के द्रव्य, इसका अर्थ यहाँ पे विपरीत रस वीर्य विपाक गुण प्रभाव, इन सारों का समावेश करके हमें समझ के लेना है। अब यहाँ पे एक बात टीकाकार ने जो चर्चित की है कि विपरीत गुण यानी हमेशा ये सारे के सारे रस वीर्य आदि जो गुण है वो विपरीत होने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता। हम बहुत बार जब चिकित्सा भी करते हैं तो इनमें से कुछ गुण विपरीत होते हैं, कुछ गुण विपरीत नहीं होते। अब कोई भी वातावरण द्रव्य ले लो, सारे के सारे द्रव्य द्रव्यों में हमेशा सर्व रस वीर्य विपाक आदि गुण ये वात के विपरीत होते हैं पूर्णतः, ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता। तो फिर यहाँ पे ऐसे कैसे कहा है? तो टीकाकार कहते हैं कि यहाँ पे विपरीत गुण इसके साथ साथ विपरीत गुण भूयिष्ठ ये जो अर्थ है उसका भी हमें
यहाँ पे इंक्लूजन करना है, समावेश करना है। भूयिष्ठ यानी क्या, कि इसमें से ज्यादातर अधिकतर जो भी भाव है, धर्म है, वो वात के विपरीत हो तो भी चल जाता है। तो हमेशा सारे के सारे वात विपरीत होंगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कोई गिने चुने द्रव्य बिल्कुल है। जैसे तैल होगा, वो हम देखते हैं कि अनुवासन में इसका उपयोग क्यों करते हैं, चरक संहिता में स्पष्ट तरीके से कहा है कि प्रायः सारे के सारे गुणों से वो वात के विपरीत है, लेकिन चिकित्सा व्यवहार में बहुत सारे अन्य द्रव्य ये सारे के सारे गुणों से वात के विपरीत नहीं होते, तो वहां पे वो वात गुण विपरीत गुण भूयिष्ठ होता है। भूयिष्ठ यानी प्रीडोमिनेंटली, मैक्सिमम, ज्यादातर, अधिकतर। तो वैसा हो फिर भी हम उसका व्यवहार कर सकते हैं, हम उससे वात का प्रशमन कर सकते हैं, तो उसका भी समावेश यहाँ पे इस शब्द के द्वारा हमें करके लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रियापद है संप्रशाम्यति, इट्स अ वर्ब, उसका अगर हम रूट वर्ब देखें या उसका मूलभूत हम जो धातु देखें वो क्या है, तो शम। तो सम्यक प्रशाम्यति यानी सम अधिक प्र अधिक शम, ऐसा उसका मूलभूत धातु है। अगर हमने हम उसका सम ये उपसर्ग देखा तो उसका अर्थ होता है यहाँ पे आशु, यानी अगर सारे के सारे विपरीत गुण युक्त वाले द्रव्य, सारे के सारे गुण जिसके वाता के गुणों के विपरीत है, ऐसे द्रव्य का हम उपयोग करें तो बहुत ही कम समय में वात का शमन किया जा सकता है, बहुत ही जल्द वात का शमन किया जा सकता है, ये उनको सम इस उपसर्ग से दर्शाना है। और इसलिए यहाँ पे सम प्रशाम्यति इस प्रकार से उपसर्ग का उपयोग किया है। और ये एक चिकित्सा के जो तत्व का यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ी सोच दर्शाता है कि आप चिकित्सा में जब जब पूरे गुणों के बारे में सोचो। हम बहुत बार सिर्फ कोई भी वातग्न द्रव्य उठा लेते हैं और गुणों के बारे में बिना सोचे, हमें सिर्फ उसके बारे में इतनी जानकारी होती है कि वातग्न है और हम उसको उपयोग कर देते हैं। अगर हमें कोई वात वेदि का रुग्ण आए तो चलो उसको महारसनादि काढ़ा दे दिया, उसको कोई गुग्गुल दे दिया, लेकिन उसके पहले उसके कौन कौन से गुण हमें कौन कौन से गुण ये उपलब्ध वात प्रकोप के विपरीत है, उस रुग्ण में इनमें से किस गुण का प्रधानतः हमें प्रकर्ष देखने के लिए मिल रहा है, उन गुणों के विपरीत द्रव्यों के उन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का उपयोग करना ये ज्यादा संयुक्तिक होता है, लॉजिकल होता है। तो सिर्फ डायरेक्टली वातग्न गुणों में से द्रव्य उठाया और उपयोग करना शुरू किया ऐसा अपेक्षित नहीं है, तो गुणों के लेवल पे पहले सोचना और फिर उन गुणों से कौन कौन से द्रव्य उपलब्ध है उन द्रव्यों का चयन करना, ये आपको वात संबंध में जल्दी रिजल्ट देने में सक्षम होने वाला है। दैट्स व्हाई द संप्रशाम्यति इज द वर्ब विच इज यूज्ड हियर। ठीक है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा जो टीका में देखने के लिए मिलते हैं वो है कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे वो गुणों के भाषा में बात कर रहे हैं कि देखिए रूक्ष शीत लघु ये वात के गुण है और विपरीत गुणों के द्वारा आप यहाँ पे उसका प्रशमन कर देंगे, लेकिन आप गुण का प्रशमन कर रहे हैं या द्रव्य का प्रशमन कर रहे हैं, तो ये एक जो चर्चा है वो आगे आ सकती है। तो यहाँ पे चक्रपाणी ने या गंगाधर दोनों ने कहा है कि देखो ऐसा अलग अलग कुछ नहीं होता कि गुणों का अलग प्रशमन द्रव्य का अलग प्रशमन, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुण प्रशमन है न गुणी प्रशमः, यानी अगर गुण का प्रशमन करे तो गुण जिस द्रव्य के है उसका प्रशमन होना ये लॉजिकल बात है, ऑब्वियस बात है, इट गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि गुण ये गुणी के धर्म है, गुण के बिना द्रव्य हो नहीं सकता, द्रव्य के बिना गुण हो नहीं सकता। तो अगर इन दोनों में इतना समवाय संबंध है तो जब जब आप गुण का प्रशमन करेंगे तो तब तक अपने आप द्रव्य का भी प्रशमन होने वाला है, उसके लिए कुछ और अलग करने की आवश्यकता नहीं है। गुणी यानी जिसके आश्रय से गुण रहते हैं वो द्रव्य, और इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वात इन गुणों का होता है और उसके विपरीत गुणों के द्रव्यों का उपयोग करने के बाद वात इस द्रव्य का ही प्रशमन हो जाएगा। और ये बात कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा भ्रम होता है कि गुण के लिए कुछ और चिकित्सा, द्रव्य के लिए कुछ और चिकित्सा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर चिकित्सा में, मैंने आप पहले भी कहा वैसे कि कौन से गुण पे काम करना है, कौन से गुण का प्रकर्ष इस रुग्ण में हमें देखने के लिए मिल रहा है, उस गुण के विपरीत चिकित्सा आप शुरू कर दो तो अपने आप उस गुण से गुण का आश्रय जो भी द्रव्य है उसका शमन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सो ये हुआ वात के गुणों का वर्णन। इसी लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन पे आगे के दो सूत्रों में भी हमें
दोषो गुणों के बारे में देखना है। आगे का सूत्र देखो, सूत्र क्रमांक 60। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्ण द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुण ही पित्तम द्रव्यराशु प्रशम्यति। पहले जो पंक्ति है उसमें सारे अलग अलग गुणों का वर्णन है। देखो मैंने उसका एक लिस्ट बनाया है राइट साइड में। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम और कटु, ये सारे उन्होंने पित्त के गुण कहा है। अब इसमें देखो जो सबसे पहला गुण आता है वो सस्नेह कहा है। देखो अभी ये वर्णन है सस्नेह, जब हम देखते हैं पहले अगर हम लॉजिक देखे बात वाला लॉजिक, तो उसमें हमने क्या देखा था, तो हमने हमें ये बात देखी थी कि जो पहला गुण था रुक्ष वो सबसे प्रधान था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सस्नेह का उल्लेख आया है। तो अगर हम कर्म के बारे में सोचे तो सस्नेह ये प्रधान होना चाहिए, लेकिन या अगर आप ये शब्द देखो तो शब्द में स ये उपसर्ग आया है। स ये उपसर्ग क्या दर्शाता है, तो स ये उपसर्ग दिशा दर्शाता है कि ईषद, ईषद यानी कम अल्प। तो यहाँ पे स इस उपसर्ग से ग्रंथकार हमें यह दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्नेह ये बाकी सारे गुणों से कम उपस्थित है। सस्नेह ईषद स्नेह यानी बाकी गुणों से तुलना में स्नेह का जो या स्निग्ध गुण का जो समावेश है पित्त में वो कम है, अल्प बल है। तो कर्मों को लांग कर हमें इसका अर्थ यहाँ पे समझ के लेना है कि आगे के जो गुण है उनके तुलनात्मक रित्या स्निग्ध गुण का समावेश यहाँ पे कम होता है। एक और तुलना हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कफ और पित्त इन दोनों की तुलना करें तो कफ के तुलना में पित्त का स्निग्धत्व ये बहुत बहुत कम है, और इसीलिए उन्होंने स इस उपसर्ग का प्रयोग किया है। ऐसा बहुत बार देखने के लिए मिलता है कि जब भी स ये उपसर्ग किसी द्रव्य को जोड़ दिया जाता है सो दैट द्रव्य इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस देन अदर। ठीक है, वैसे हम व्यवहार में भी कहते हैं स यानी क्या, उसका एक जो अर्थ होता है वो साथ में आना। तो मैं मेरे लड़की को लेके अगर गार्डन में गया, ऐसा अगर मैंने वाक्य उपयोग में लाया, तो मैं मेरे लड़की को लेकर, तो मेरे लड़की ये सेकेंडरी हो जाती है, द्वितीयम हो जाती है, क्योंकि वो मेरे साथ आ रही है, मैं प्रधान होगा, मैं लेके जा रहा हूं। तो मेरी लड़की मेरे साथ आ रही है, ये साथ ये लड़की को लागू होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे स उपसर्ग स्नेह को लागू हुआ है एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स सेकेंडरी, दैट इज व्हाट द ग्रामर टेल्स अस रिगार्डिंग द मीनिंग। और इसीलिए यहाँ पे सस्नेह ये पद पहला होने के बावजूद उसका अप्राधान्य ये हमें स इस उपसर्ग से समझ में आता है। तो इसलिए ईषद स्नेह, ईषद स्निग्ध, थोड़ा स्निग्ध, ऐसा इसका अर्थ है। उसके बाद जो गुण है उष्ण, वो मात्र पित्त का प्रधान गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उष्ण का उल्लेख ये उसके बाद किया है, और उसको किसी भी उपसर्ग की यहाँ पे उसने समावेश इस शब्द से नहीं किया है। तो उष्ण ये पित्त का प्रधान गुण हो जाता है, और उसके आगे के बाकी गुण है देखो, तीक्ष्ण है, द्रव है, अम्ल है, सर है और कटु है। इनमें से अगर आप देखो तो अम्ल और कटु ये दोनों रस है। तो हमने अभी अभी देखा था यहाँ पे जब गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो इसमें रस वीर्य विपाक आदि सारों का समावेश हम कर सकते हैं, लेकिन जो भी प्रधान गुण है उनमें से उनका उल्लेख मात्र यहाँ पे कर रहे हैं। तो अम्ल और कटु इन दो रस विशेषों का भी उल्लेख यहाँ पे किया है। यहाँ पे हमें टीका में ये स्पष्टीकरण मिलता है कि अम्ल ये विदग्ध पित्त का रस होता है, और जो निराम पित्त हो, अच्छा पित्त हो, उसका रस कटु ऐसा होने वाला है। तो पित्तों के अवस्थिक रस अलग अलग हो सकते हैं, और वो अवस्था कौन कौन सी है वो यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है। अब अगर अब जब हम दूसरी पंक्ति देखें एज यूजल, विपरीत गुण ही पित्तम द्रव्य ही आशु प्रशाम्यति। पहले जैसा ही देखो, विपरीत गुण ही द्रव्य ही, ये तृतीया के विरूप हो गए, यानी विपरीत गुणों वाले द्रव्यों के द्वारा पित्त का आशु प्रशमन होने वाला है। अब यहाँ पे इसके पहले के जो सूत्र में क्रियापद आया था सम प्रशाम्यति, उसके में जो सम ये उपसर्ग था उसका उपयोग नहीं किया है, उसके बजाय उन्होंने आशु इस अव्यय का उल्लेख किया है, यानी उस उपसर्ग के अर्थ वाला कुछ और शब्द उपयोग में लाया है और फिर इस उपसर्ग का उपयोग किया नहीं है, इसलिए सम प्रशाम्यति इसके बजाय आशु प्रशाम्यति ऐसा उपयोग यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन अर्थ उसका वैसे के वैसा है, आशु यानी फास्ट। तो विपरीत गुणों के द्रव्यों से पित्त का जल्द ही प्रशमन हो जाता है, ऐसे दूसरी पंक्ति का अर्थ हो जाता है।
अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो कि हम सारे गुणों के विपरीत वाला द्रव्य गुण ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उष्ण के विपरीत हमें शीत देखने के लिए मिलेगा, तीक्ष्ण के विपरीत हमें मंद गुण देखने के लिए या मृदु गुण देखने के लिए मिलेगा, द्रव के विपरीत हमें सांद्र गुण देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अम्ल और कटु ये तो रस विशेष है, तो रस के विपरीत कौन सा रस होता है, ऐसा कोई वर्णन है क्या? तो ऐसा वर्णन हमें सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 20 में देखने के लिए मिलता है कि कौन को षड रसों में भी कैसी कैसी विपरीत रसों की जोड़ियां हमें देखने के लिए मिलने वाली है, और वो कौन से क्राइटेरिया पे हम उसको अपोजिट कह सकते हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर वर्णन हमें सुश्रुत सूत्रस्थान 20 में देखने के लिए मिलता है। तो वहां पे वो क्या कहते हैं कि बाबा ये दो रस ये उनके वीर्य से विपरीत है, ये दो रस ये वीर्य और विपाक दोनों से विपरीत है, ये दो रस ये सारे के सारे क्राइटेरिया पे विपरीत है, कंप्लीटली अपोजिट टू इच अदर। तो यहाँ पे हम वही रस देख रहे हैं जो एक दूसरे से सारे क्राइटेरिया पे अपोजिट होते हैं, फिर उनका वीर्य हो, उनका विपाक हो, उनके गुण हो। और उस क्राइटेरिया को अगर ध्यान में रखे तो सुश्रुत ने वहां पे कहा है कि सर्वतः विपरीत, सारे के सारे क्राइटेरिया पे विपरीत, ऐसे रस कौन से है जो अम्ल के पूर्णतः विपरीत है और कटु के पूर्णतः विपरीत है। तो अगर आप सुश्रुत का वर्णन देखो तो वहां पे उन्होंने कहा है कि अम्ल इस रस के सारे क्राइटेरिया से विपरीत जो रस आते हैं वह है तिक्त और कषाय, और कटु रस के सारे क्राइटेरिया पे जो विपरीत रस आता है वो है मधुर रस। और इसलिए तिक्त कषाय और मधुर ये पित्त के विपरीत रस हो जाते हैं, और हमें ये जो फैक्ट है वो हमें पहले से भी ज्ञात है, जिसका वर्णन आगे जाके फिर एक बार आने वाला है कि तिक्त कषाय मधुर ये पित्तघ्न रस है। लेकिन इसमें अगर हम बारीकी से देखें तो जब जब विदग्ध पित्त होगा, साम पित्त होगा, पित्त का रस तब अम्ल होगा, तब हम मुख्यतः तिक्त और कषाय रसात्मक पित्तघ्न द्रव्यों का उपयोग करना आवश्यक है। और जब जब पित्त का रस कटु होगा, पित्त निराम होगा, पित्त अच्छा होगा, तब तब हमें मुख्यत्वे मधुर रसात्मक पित्तघ्न द्रव्यों का उपयोग करना आवश्यक होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जो चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनके हमें जो सिद्धांत होते हैं, उसके जो हिंट्स होती है, वो हमें ऐसे सूत्रों में देखने के लिए मिलती है, और इन सूत्रों का हमें इस तरीके से चिकित्सा में उपयोग करना ये आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये सूत्र फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ, इसका जो अर्थ हमने अभी भी देखा वो हमारे मन में एक बार आप रिपीट कीजिएगा। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुण ही पित्तम द्रव्य ही आशु प्रशाम्यति। ठीक है, और अभी इसी लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन पे जो आगे का सूत्र है, सूत्र क्रमांक 61, उसमें कफ के गुण देखने के लिए मिलते हैं। सूत्र क्या है? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणैर्गुणाः। अभी अगर आप पहली पंक्ति ध्यान से देखो तो वहां पे उन्होंने समास किया है। अगर आपने इसके पहले के दो सूत्र देखे तो उसमें पहले पंक्ति में हर एक गुण का अलग अलग स्वतंत्र स्वरूप से उल्लेख किया था, रुक्षः शीतः सरः कटु अम्लम, ऐसे अलग अलग गुणों के वर्णन दोनों सूत्र में हमें देखने के लिए मिले थे। लेकिन यहाँ पे जो भी कफ के गुण है उन सारे गुणों का उन्होंने एक साथ जोड़ के एक समास किया है, एक ही शब्द बना दिया है। तो गुरु शीत मृदु ये अलग अलग शब्द नहीं रहे, उन सारों का मिलाकर एक ही शब्द हुआ है जो पिच्छिलाहा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की रचना को हम समास कहते हैं, और इसलिए इसको इस सारे शब्दों का मिलाकर जब एक शब्द करते हैं तो उनकी विभक्ति भी एक जैसी हो जाती है, और इसलिए उनकी विभक्ति क्या हुई देखो, पिच्छिलाहा देवाह देवौ देवाहा प्रथमा, तो ये प्रथमा बहुवचन हुआ है। और यहाँ पे इस प्रकार के समास को द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास मतलब क्या? राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यानी जब बहुत सारे शब्दों का वर्णन एक साथ करके उनको एक शब्द में जोड़ देते हैं, और उन शब्दों का जो महत्व होता है वो एक जैसा ही होता है। देर इज नो सुप्रीम और देर इज नो लेसर, कोई श्रेष्ठ या कोई कनिष्ठ ऐसा ना हो, ऐसा जब कहना हो तो सारे शब्दों को एक ही पंक्ति में बिठा देते हैं, उनको एक साथ जोड़ देते हैं और उनका द्वंद्व समास कर देते हैं। और इसी प्रकार से द्वंद्व समास
यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। और इसलिए यहाँ पे क्रम में पहले गुरु आया है या पहले शीत आया है, इसका महत्व रहता नहीं है। एक बार अगर द्वंद्व समास हुआ, एक बार आपने उसका कुल मिलाकर एक बड़ा शब्द कर दिया, तो उस शब्द में पहला कौन है, दूसरा कौन है, इसका महत्व रहता नहीं है। ये सारे के सारे गुण ये एक ही लाइन में आ जाते हैं, ये एक ही लेवल पे आ जाते हैं। वो गुण कौन कौन से है देखो, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, ये फिर एक बार रस आ गया, स्थिर और पिच्छिल। ये सारे जो सात गुण है वो कफ के प्राकृत गुण हो गए। यहाँ पे मधुर ये जो रस है इसके जो बारे में वर्णन है जो मैंने पहले भी आपको कहा था, वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आगे की पंक्ति देखने वाले हैं क्या है वो, कि श्लेष्मण प्रशमम यान्ति विपरीत गुण ही गुणा, यानी श्लेष्मण षष्ठी विभक्ति, ये सब सारे गुण है गुरु शीत मृदु इत्यादि, वो कफक के गुण है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, किसी का, किसी की, किसी के, तो श्लेष्मा के ये सारे गुण है और इन गुणों के विपरीत गुणों के द्वारा श्लेष्मा का प्रशमन होता है। और इसके विपरीत गुण कौन कौन से होंगे ये बात भी हम सबको ज्ञात है, मैं वो दोहराऊंगा नहीं यहाँ पे, जैसे गुरु के विपरीत लघु, शीत के विपरीत उष्ण एंड सो ऑन। लेकिन मधुर के विपरीत क्या, ये अगर हमें तथ्य देखना है तो वही तर्क हम लगाएंगे जो पहले लगाया था कि इसके सर्वथा विपरीत गुण कौन सा है, रस कौन सा है, कि मधुर रस के वीर्य के विपरीत, विपाक के विपरीत, गुण के विपरीत, ऐसा अगर हम देखें तो इसके सर्व क्राइटेरिया के विपरीत जो रस आता है वो आता है कटु रस। सुश्रुत में, सुश्रुत में आप संदर्भ देख सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि इस प्रकार के कफ के पूर्णतः गुणतः विपरीत अगर कोई रस हो तो वो कटु रस है। और जब जब हमें कफग्न द्रव्यों के, कफग्न द्रव्य में सारे गुण विपरीत द्रव्यों का चयन करना हो तो कटुरसात्मक द्रव्य ये ज्यादा ड्रग ऑफ चॉइस हो जाते हैं। अब देखिए वो रूक्ष भी है, वो उष्ण भी है, वो आप में जो स्थिर पिछले गुणों के विपरीत कर्म करना है वो भी यहाँ पे कर्म कर सकते हैं। और इसीलिए प्रायः हम हिंगू, पंचकोल इत्यादि द्रव्य का उपयोग एकांतिक कफग्न इस विचार से बहुत कॉमनली करते हैं। और उसका जो बीज है, उसके जो सोच का बीज है, वो हमें इस सूत्र में बहुत ही सरल तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गए कफ के गुण, सो वात के गुण, पित्त के गुण और कफ के गुण, इस प्रकार का वर्णन हमें इन तीन सूत्रों में देखने के लिए मिलता है। और इसी सूत्र का जो उन्होंने आगे एक समारोप किया है उसको एक और महत्वपूर्ण जोड़ देके, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सूत्र क्रमांक 62, विपरीत गुण हृदय, विपरीत गुण हृदय मात्रा कालोपपादित ही भेषज विनिवर्तन्ते विकाराः साध्य सम्मताः। यानी क्या, उसका मैंने अन्वय नीचे लगाया है, आपको वो समझ में आ जाएगा सूत्र कैसा है। देखो, देश मात्रा काल उपपादित ही विपरीत गुण ही भेषज ही साध्य सम्मताः विकाराः विनिवर्तन्ते। तो साध्य विकार दूर कैसे हो जाएंगे, तो उसके एक समरी वो यहाँ पे हमें दे रहे हैं। चिकित्सा ये किस प्रकार से पूरी हो सकती है, योग्य हो सकती है, सम्यक हो सकती है, तो इस पार्श्वभूमि पे जब हमने दोषों के गुण देखे हैं और हमने क्या देखा था, जो शारीरिक व्याधि है उनके जो मूल है वो दोषी है, तो अगर हम दोषों की विपरीत चिकित्सा करें तो आगे जाकर विकारों की भी चिकित्सा होने वाली है। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ दोषों के विपरीत गुणों के द्रव्यों का उपयोग करके नहीं सोच हमारी पूर्ण होती। सिर्फ अगर किसी द्रव्य मुझे अगर समझ में आए कि समझो एरंडमूल है, रासना है, ऐसे और कई द्रव्य है जो वातों के गुणों के विपरीत या विपरीत गुण भूयिष्ठ है, उनका सिर्फ उपयोग करना है, इतना जो अर्थ है वो मैं समझ में आ गया है, उससे मुझे चिकित्सा शुरू करनी है। लेकिन सिर्फ इतनी ही जानकारी के बलबूते पे चिकित्सा शुरू करके उसको यश प्राप्त करना ये संभव नहीं है। उसके लिए हमें कुछ और फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है, तभी हमारी चिकित्सा यह पूर्ण हो सकती है, सम्यक हो सकती है। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं, देश, मात्रा और काल। यानी जब देश, मात्रा और काल इनका सम्यक प्रतिपादन किया जाए तो ही हम विपरीत गुणों के भेषज के द्वारा चिकित्सा संपूर्ण कर सकते हैं, जिससे साध्य सम्मताः विकाराः विनिवर्तन्ते। विनिवर्तन्ते ये जो क्रियापद है, वि अधिक निर ये उसके उपसर्ग है, वर्त ये उसका मूल, वृतवर्त ये उसका मूलभूत धातु है, तो इसके जो अर्थ होता है विनिवर्तन, इस क्रियापद का जो अर्थ है वो है टू गो अवे,
दूर जाना, निकल जाना। तो अगर हमें साध्य ऐसे व्याधियों को शरीर से दूर हटाना है, उसको जड़ से निकाल देना है, तो आपको विपरीत गुणों के द्रव्यों का उपयोग करना है, लेकिन वो देश, मात्रा और काल इनके सोच के साथ करना है। अब देखो, आप अगर आप बारीकी से देखो तो देश, देश के दो भेद कहाँ हैं? अगर आपको अकबर का पहला अध्याय याद होगा तो उसने बहुत ही सरल रूप से वो पहले ही अध्याय में ये बात कही है कि भूमि देश प्रभेदेन देश माहु द्विधा, यानी देश दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा शरीर और दूसरा भूमि, जांगर देश, अनुपदेश, साधारण देश, ये भूमि देश हुआ। तो यहाँ पे भूमि देश एक हुआ और आतुर का देह, रुग्ण का देह, ये एक देश हुआ। फिर उसके बाद मात्रा, मात्रा यानी कौन सी? अनपाई परिमाण, जो मात्रा ये उसका जो अपेक्षित कर्म है वो करती है, लेकिन उसके साथ दूसरा कोई अपाय नहीं करती। देर शुड बी नो इल इफेक्ट, साइड इफेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर अप्रोप्रिएट मात्रा। उसका टीकाकार ने बोल कहा है कि अनपाई परिमाण उसका होना चाहिए, द डोज शुड बी एज कि उसका इफेक्ट हो लेकिन अपाय कोई भी ना हो। देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इल इफेक्ट, बैड इफेक्ट, सो दैट इज गोइंग टू बी देन अप्रोप्रिएट डोज, उसका भी होना बहुत आवश्यक है। और काल, काल उसके भी दो भेद कहे हैं, क्षणादिर व्याधि अवस्था च। तो क्षणादि, क्षणादि में भी मुख्यत्वे जो हम काल देखते हैं वो दिन ऋतु, ये दो हम जो मुद्दे हैं वो बहुत बारीकी से देखते हैं कि कौन सा ऋतु चल रहा है, इस ऋतु में उसको ये विशिष्ट भेषज सह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उसके साथ साथ दिन भर में कौन से योग्य काल में उसको भेषज देना आवश्यक होगा, इसकी भी सोच बहुत आवश्यक होती है। और उसके साथ साथ व्याधि अवस्था, ये भी बहुत ही इनसेपरेबल पार्ट है। और इसी काल में वय, इसका भी समावेश हो जाता है कि रुग्ण का वय क्या है और उसके आधार पर कर्म द्रव्य इनका उपयोग कैसे करना है। अगर आप ऊपर देखें कि आतुर देह यानी जो शरीर है उसका अगर आप वर्णन देखो तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, शरीर बल, जो आहार सेवन कर रहा है जिससे वो देह बन रहा है, वो आहार साथ में क्या है उस शरीर को, उस शरीर में रहने वाला सत्व कैसा है, यानी उसके मन का बल कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी सारता कैसी है, ये सारे वर्णन ये इसमें आने वाले हैं। तो अगर आप बारीकी से देखो तो देश यानी भूमि, फिर रुग्ण का बल, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, उसका वय, और ये सब अगर आप कुल मिला के देखो, और अगर इसमें आप इसके पहले के जो वर्णन थे यानी दोषों का वर्णन इसको जोड़ दो, और उसके साथ साथ जो भेषज वर्णन किया है यानी जो चिकित्सा का वर्णन आया है वो क्या है, तो वो हमने अभी अभी देखा था कि उसमें हमने विपरीत गुण के द्रव्यों का उपयोग करना है, ये उसका सिद्धांत है। यह भी अगर हमने जोड़ दिया तो इस कुल मिलाकर दशविध परीक्षा भाव और उनकी चिकित्सा, ये विषय यहाँ पे समराइज हो जाता है। तो देखिए, ग्रंथकार जब अलग अलग जगह पे एक ही विषय के बारे में कोई अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं तो उसमें अलग अलग वर्णन नहीं होते, वर्णन वही होता है, वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। अभी यहाँ पे पहले अध्याय में इन सारे विषयों का ग्रंथकार संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं, और इसलिए अगर आप बारीकी से देखो तो यहाँ पे जो विपरीत गुणों के द्रव्य है उसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या जोड़ा है, दे हैव समराइज, दे हैव नैरोड डाउन टू थ्री एस्पेक्ट्स, देश, मात्रा और काल। तो अगर आप चिकित्सा के समय आपके पास जो चिकित्सा द्रव्य है, कल्प है, उनको अगर देश, मात्रा और काल इनकी सोच जोड़ दो और फिर उसकी योजना करो, तो आपकी चिकित्सा ये यशस्वी होने वाली है। और उनमें अगर आप विस्तार पूर्वक देखो तो देश में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, काल में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इसका जो एलेबोरेशन है वो आगे ग्रंथ में आपको जगह जगह देखने के लिए मिलता है। मुख्यत्वे चरक विमान स्थान 8 में इसका विस्तृत वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है, उसका ही संक्षेप में केवल निर्देश मात्र ये यहाँ पे हमें किया है। तो ये जो एक बहुत ही शॉर्ट में वर्णन है, हम बहुत बार उसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि देश, काल आदि का सोचो, मात्र के बारे में सोचो, लेकिन ये चिकित्सा का मूल तत्व है, उसका क्रक्स है, और इसके ही आधार पर सम्यक चिकित्सा की पूरी जो हमारी जो बिल्डिंग है वो खड़ी होने वाली है। तो टू समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस सूत्र, कि अगर साध्य विकारों को जड़ से हटाना है तो विपरीत गुणों के द्रव्यों को हमें योजना करते वक्त देश, मात्रा और काल इनके सोच रखकर ही उसकी योजना करनी है, यानी उसकी मात्रा कितनी हो, वो किस रुग्ण में देना है,
उस रुग्ण का सहत्व है क्या, ऋतु कौन सा चल रहा है, रुग्ण का वय क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली द्रव्य में क्या बदलाव करना पड़ेगा एंड सो ऑन। और अगर आपको इसका विस्तृत अध्ययन करना है तो आपको मुख्यत्वे चरक विमर्शन 8 में इसके जो भी अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, फिर वो साथ में होगा, प्रकृति होगी, सार होगा, संवन होगा, ये सारे आपको वहां पे जाके उसका अध्ययन करना होगा। ये सारा इन नटशेल यहाँ पे उन्होंने इस सूत्र में कहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो उसके आगे की एक सूत्र की पहली पंक्ति आते हैं उसको देखेंगे, उन्होंने क्या कहा है, देखो कि सबसे पहले तो विपरीत गुणों का भेषज और देश मात्रा काल इनका सम्यक अगर हम सोचे तो इनसे साध्य विकार दूर हो जाते हैं। फिर असाध्य विकारों का क्या, ऑब्वियसली असाध्य विकार तो दुरुस्त नहीं होंगे, वही बात वो आगे के सूत्र के पहले पंक्ति में दोहरा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं चरक संहिता में देखो, साधनम नत्वा साध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते, यानी असाध्यानाम व्याधिनाम तु साधनम न उपदिश्यते। ये उसका अन्वय हुआ, असाध्यानाम व्याधिनाम, ये षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हुए, यानी देवस्य देवयोः देवानाम षष्ठी। और षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, हमने अभी भी देखा, किसी का, किसी की, किसी के, यानी असाध्य विकारों के, असाध्य विकारों के क्या साधनों का उपदेश नहीं किया जाता है या नहीं किया है। साधन क्या, चिकित्सा का साधन क्या होता है, भेषज सम्यक प्रकार से द्रव्यों का योजना करना, यह चिकित्सा का साधन हुआ। इसका अर्थ हुआ कि असाध्य विकारों का भेषज, असाध्य विकारों की चिकित्सा, उसका उपदेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो नाम ही उसका क्या है, असाध्य। आप कितने भी साधन यहाँ उसके ढूंढ के लाओ, आप कितने भी अलग अलग कर्म करो, वो जो असाध्य विकार है वो शरीर से पूर्णतः बाहर निकल जाना असंभव है, इसलिए उसको असाध्य कहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चर्चा है वो गंगाधर चक्रपाणि दोनों टीका में की है। वो कहते हैं कि अगर आप सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 28 देखो तो वहां पे सुश्रुत का ऐसा वचन है, सुश्रुत संहिता ऐसी कहती है कि रसायन तप करना जप्य पर, यानी जो मंत्रों का सिद्ध किए हुए चिंतक है या ऐसे मुनि है, साधक है, जिनको मंत्र सिद्ध है, इत्यादि साधनों के द्वारा आप अरिष्ट होते हुए भी जो मृत्यु सामने दिख रहा है ऐसी अवस्था को टाल सकते हैं। दैट मीन्स जो अभी आपको असाध्य दिख रहा है क्योंकि उसके अरिष्ट आपको दिख रहे हैं, ऐसे व्याधियों को भी साध्य करने की क्षमता रसायन चिकित्सा, तपश्चर्या, ऐसे महानुभाव जिनको अलग अलग मंत्र सिद्ध हुए हैं इत्यादियों के साधनों में होती है। अगर ऐसा हो तो फिर सूत्र का अर्थ क्या रहा, एक जगह पे आप कहते हैं कि असाध्य विकारों के कोई साधन नहीं होते, दूसरा ग्रंथ कहता है कि असाध्य अरिष्ट युक्त ऐसे व्याधियों के भी साधन होते हैं जो कि ये रसायन तप इत्यादि है। सो दिस बिकम्स कॉन्ट्राडिक्टरी, हाउ यू कैन सॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो वहां पे टीकाकार कहते हैं कि ये जो उपाय है वो बहुत ही सहज साध्य नहीं है, वो बहुत 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 कठिन है, और इसलिए वो कहते हैं ये सब उपाय विरलेषु एव पुरुषातिशयेषु, यानी बहुत ही एक्सेप्शनल व्यक्तियों में ही इनकी समा इनका उपयोग हो सकता है। सो दिस पॉसिबिलिटी इज फाउंड टू बी इन वेरी वेरी एक्सेप्शनल केसेस एंड दैट्स व्हाई दिस कैन हैपन वेरी रेयरली, ऐसा टीकाकर कहते हैं। इट इज नॉट अ वेरी कॉमन अकरिंग, ये बहुत ही कॉमनली डे टू डे बेसिस पे सामान्यता होता है कि चलो रसायन का सेवन किया, तपस्या किया कि तपश्चर्या की और अरिष्ट युक्त विकार दूर हो गए, ये करना ये बहुत 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 मुश्किल है। इट इज वेरी एक्सेप्शनल, इट इज वेरी रेयर, और इसीलिए न सर्व पुरुषे ही तत्शक्यम, जो सामान्यतः सारे रुग्णों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दैट इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट, एंड देयर फोर जो कॉमन रूल है उसका वो क्या है, साधारण न तो असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते, जो असाध्य व्याधि है उनके साधन प्रायः हमें देखने के लिए नहीं मिलते, ये एक थम रूल हुआ। उसके एक्सेप्शनल और या वेरी रेयर जो अपवाद है, उस अपवाद के बारे में जो वर्णन है वो सुश्रुत ने कहा है, जो कि रसायन तप इत्यादि साधनों के बारे में सूत्र आया है। तो इस प्रकार से इस शंका का समाधान चक्रपाणि और गंगाधर अपनी अपनी टीका में करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक विषय था बहुत महत्वपूर्ण, दोषों के गुण, दोषों के गुणों के विपरीत चिकित्सा का यहाँ पे निर्देश किया, और दोषों के गुणों के विपरीत चिकित्सा को
सम्यक प्रकार से यशस्वी करने के लिए जो अन्य तीन महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, देश, मात्रा, काल, उसका भी यहाँ पे निर्देश किया है। और इस प्रकार से हम पूरा अगर सर्कल पूरा कर दे तो फिर हम सम्यक चिकित्सा कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे उन्होंने हमें एक बहुत ही उपयुक्त सिद्धांत बहुत ही कम शब्दों में हमारे सामने रखा है। और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा है कि असाध्य विकारों का साधन नहीं होता, वी कैनॉट कमिट टू एनी क्योर इन द क्लासिकल असाध्य व्याधि। अभी असाध्य व्याधि का साध्य व्याधि, असाध्य व्याधि, इनके क्राइटेरिया कौन से होते हैं, हाउ टू डायग्नोज साध्य असाध्यत्व, इसका जो विस्तार है वो चरक सूत्र स्थान 9वें अध्याय में अच्छी तरीके से, 10वें अध्याय में अच्छी तरीके से आता है, तो वहां पे वो जो वर्णन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के वर्णन में, आज के वाचन में अगर किसी को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं हो तो हमारा जो आज का वाचन है, जो सत्र है, वो हम समाप्त करेंगे। किसी को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं।